पुई का साग बनाएंगे, पुई का पत्ते का साग। तो मैं अपने गार्डन में आई हूँ साग को लेने के लिए। यहाँ पे सिर्फ मैं पत्ते ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतने सारे पत्ते तोड़ लिए हैं पेड़ों से, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पत्ते तोड़ने हैं। ये पत्तों को हम सब्जी बनाएंगे, ये फ्रेश पत्ते हैं, इसे खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। सारे पत्ते, अच्छे अच्छे पत्ते हम तोड़ लेते हैं, इस तरह के पत्ते हैं। ये हमारे पुई के पत्ते, हमने जो गार्डन से पुई का पत्ता तोड़ के लाए थे उसे मैंने अच्छी तरह दो तीन बार धो लिया है। अब इसको हम पतला पतला काट लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए लहसुन, यहाँ मैंने तीन चार लहसुन को छोटा छोटा काट लिया है। यहाँ दो हरी मिर्च, उसको भी छोटा छोटा काट लेंगे। साथ में आधा चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, यहाँ मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी और दो बड़े चम्मच तेल की आवश्यकता की। तो पहले हम इस पुई को छोटा छोटा काट लेंगे। अब पत्ते को हमने एक साथ एक गुच्छा बना लिया है, अब इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे, इस तरह से छोटा छोटा काट लेंगे। इसमें सिर्फ मैंने पत्तियां ली है, डंठल नहीं लिया है। डंठल लेने से थोड़ा मुंह में लाल लगता है, जब साग बनाते तो बिना डंठल के ही हम लोग करते हैं, इस तरह से। ये खाने में पालन के साग की तरह ही होता है, टेस्ट वैसा ही है। अब घर में ऐसे पालन साग बनाते हैं, वैसे पुई का साग बना सकते हैं। तो चलिए हम छोटा छोटा पहले काट लेते हैं सारा। हम अभी पुई साग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक का एक कढ़ाई लिया है, इसमें मैं दो चम्मच तेल डालूंगी। यहाँ मैंने रिफाइंड तेल डाला है, तेल डालने के थोड़ा गर्म हो जाए। देखो हमारा तेल अभी फिलहाल गर्म हो गया है, जिसमें मैंने लहसुन और प्याज ये दोनों के एक साथ डाल दूंगा। आप चाहे तो लहसुन को थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ लहसुन कम डाल रही हूँ। अब इसको आप हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए लहसुन भी रेड हो रहा है, मिर्च भी हमारा फ्राई हो गया है। ज्यादा तो नहीं लगता, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और ये आसान भी है और झट से बन भी जाती है, और चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है खाने को। चलिए हमारा लहसुन फ्राई हो गया है, अब इसे हम ये पुई साग को जो काट के रखा था उसे अच्छी तरह धो के मैंने इसका पानी निकाल लिया। इसमें नमक और हल्दी भी डालेंगे। ये देखिए नमक और हल्दी को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, मिक्स करके धीमी आंच में ढककर रख देंगे, जिससे पानी निकलेगा, इसी से साग बॉईल हो जाएगा। कुछ देर के लिए धीमी आंच में ढककर रख देंगे। देखिए मैं यहाँ पे 10 मिनट बाद खोली हूँ, अभी बहुत पानी था तब, अब तो फिर भी बहुत सूख गया है। इसे और पानी को सुखाना है, अब तक ये 20 मिनट हो गया है, पानी काफी सूख गया। यह पानी यहाँ तक भरा हुआ था, जब ये पानी सूख जाए तब ये साग तैयार हो जाता है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा मटर भी डाल सकते हैं, मैंने फिलहाल नहीं डाला। तो थोड़ी देर और रखते हैं, उसमें पानी को सुखा लेते। 5 मिनट हो गए हैं, देखिए हमारा पानी पूरी तरह से सूख गया, मतलब हमारा साग तैयार हो गया है। अब इसे हम परोस सकते हैं, देखिए इससे कितनी अच्छी खुशबू आती है,
देखने में भी अच्छा लगता है, एकदम पालन साग की तरह लगता है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये हमारा पुई का साग बनके तैयार हो गया है। इसे आप मालाबार स्पिनिश भी कह सकते हैं। ये पालक साग की तरह ही होता है, बहुत ही टेस्टी है। इसे चावल के साथ खाइए, लंच में बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा।